नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कैटरीना, लीजा, लैरी, हिकाका, बुलबुल, पैलिन, हुदहुद, फैनी, निसर्ग, बुलबुल, निवार और अम्फान जैसे चक्रवातों के नाम हम सुन चुके हैं, जिन्हें तबाही का दूसरा नाम कहना भी गलत नहीं है। वहीं अब कोरोना संकट के बीच तबाही का मंजर लेकर तोकातो चक्रवात भी आ गया है, जिससे लोगों की जान और माल की सुरक्षा के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। इस बीच लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन तूफानों का नाम किस आधार पर रखा जाता है। तबाही मचाने के लिए कुख्यात इन चक्रवातों के नाम कौन रखता है? आइए हम आपको बताते हैं कि चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है, इस नामकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से देश शामिल हैं और आने वाले समय में तूफानों को और किन किन नामों से जाना जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। देश एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ताउते तूफान भी भारी तबाही मचाने के लिए आने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने 5 राज्यों में साइक्लोन ताउते को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन 5 राज्यों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। अरब सागर में बन रहे इस चक्रवाती तूफान के चलते NDRF की 53 टीमों को तैनात किया जा रहा है। ताउते से पहले सुपर साइक्लोन अम्फान ने तबाही मचाई थी। उससे पहले कई चक्रवाती तूफान तबाही मचा चुके हैं। ये साइक्लोन आते हैं, तबाही मचाते हैं और फिर चले जाते हैं। कब हुई चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत? चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में हुई एक संधि से की गई, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में ये व्यवस्था साल 2004 में शुरू हुई। भारत की पहल पर इस क्षेत्र के 8 देशों ने तूफानों का नामकरण शुरू किया। भारत के अलावा इनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड शामिल था। फिर साल 2018 में इनमें UAE, ईरान, कतर और यमन जैसे देश भी जुड़े। ताउते साइक्लोन नाम किसने दिया, इसका क्या मतलब है? हिंद महासागर क्षेत्र में यदि तूफान आने की आशंका बनती है तो भारत समेत 13 सदस्य देशों क्रम अनुसार 13 नाम देते हैं। ये नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि इन तूफानों के आने से पहले से ही वैज्ञानिक और आम लोग स्पष्ट रह सके, लोगों के मन में ये नाम स्थापित हो जाए और इसकी चर्चा होते ही वो समझ जाए। ताउते नाम म्यांमार की ओर से दिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहुत शोर मचाने वाली छिपकली। सदस्य देश अपनी ओर से नामों की जो सूची देते हैं उनकी अल्फाबेटिकल लिस्टिंग जाती है। जैसे अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले बांग्लादेश, फिर भारत और ईरान और अन्य देशों का नाम आता है। उसी क्रम में सुझाए गए नाम पर तूफानी चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। हर बार अलग अलग देशों का क्रम से नंबर आता रहता है और इसी क्रम में चक्रवातों का नामकरण हुआ करता है। इस व्यवस्था में भविष्य में आने वाले तूफानों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। जैसे लिस्ट के हिसाब से म्यांमार से ताउते के बाद ओमान से यास, पाकिस्तान से गुलाब नाम तय किए गए हैं। पिछले साल अप्रैल में ही नामों की सूची स्वीकृत की गई है। अम्फान के साथ पुरानी सूची खत्म हो गई थी। आने वाले 25 सालों के लिए ये सूची बनाई जाती है। नई सूची में भारत की ओर से दिए गए नामों में तेज गति, मुरासु, आग, नीर, प्रबंजन, घुर्नी, अम्बुद, जलादि, वेग नाम शामिल हैं। वहीं बांग्लादेश के अर्नब, पाकिस्तान ने लुलू, कतर ने शाहीन और बाहर आदि नाम दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।